स्पेशल सब्जी होती है जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके और 5 से 6 ग्रीन चिली ली हैं और 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है जिसमें मैंने प्याज को कट करके और उसमें फ्राई कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने यहीं से स्टार्ट की है। तो प्याज को हम थोड़ा सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है कुटा हुआ लहसुन जिसमें मैंने 7 से 8 कलियाँ ली थी और यहाँ पे जो लहसुन का पेस्ट था वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्याज और कटी हुई हरी मिर्च के साथ। तो ये है हमारी कटी हुई भिंडी और कचरी। तो यहाँ पे जो प्याज है हमारी वो थोड़ी सी गोल्डन हो गई थी तो मैंने कटी हुई भिंडी और कचरी जो थी जो काट के पहले से ही रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कटी हुई कचरी है ये जो कि भिंडी से बिल्कुल मैच हो रही है। शायद फ़ोन के कैमरे में नहीं दिखाई दे रही होगी। और थोड़ी देर 1 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए हमें इसको कुक करना है। जब इसमें जाल सा बनने लग जाए तो हम इसमें थोड़ा यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि भिंडी में जो थी वो जाल जो बन जाता है वो बनना ख़त्म हो जाएगा नमक डालने से और भिंडी जो है वो हमारी नीचे लगेगी भी नहीं और अच्छे से उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी भिंडी और कचरी जो थी वो अच्छे से कुक हो गई है। तो मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने डाल दिया है सूखा धनिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी कचरी के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालनी है इसमें। और जब तेल छूटने लग जाए तले में कढ़ाई के में तो हमारी जो ग्रेवी जो हमारी भिंडी की रेसिपी है भिंडी कचरी की वो तैयार हो चुकी है। तो अभी तेल छूटा नहीं है, 1-1.5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो तेल छूटने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी भिंडी कचरी की ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।